प्रदेश के हमीरपुर जनपद में निषाद समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह में 16 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। सामूहिक विवाह में निषाद पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष संजय कुमार निषाद पहुंचे और जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उपहार बांटे। साथ ही प्रत्येक वर्ष समाज के गरीब वंचित परिवार की बेटियों का धूमधाम से विवाह कराने वाले मूलचंद निषाद को धन्यवाद दिया और निषाद समाज के बच्चों को पढ़ाई करने का संदेश दिया। संजय निषाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा ने खास बातचीत की। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी का आज हमीरपुर आगमन हुआ है। हमीरपुर के चंडौट में यहाँ पे निषाद समाज के समारोह शादी समारोह में शामिल हुए हैं। सर क्या कहेंगे? कम से कम आज हम अपने समाज को बधाई देंगे। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमने इनकी वकालत किया दिल्ली लखनऊ, हमने मोदी जी योगी से मिसाल नड्डा साहब इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, इनके लड़कियों की शादी के लिए हमारे यहाँ बजट आ गया, हमारे यहाँ इनके यहाँ घर बनाने के लिए जिला पंचायत बनाने के लिए इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विधवा पेंशन के लिए इनके लिए दैविक आपदा के लिए हैं, ये सारी व्यवस्था है। और ये समुदाय उजड़ा हुआ था अंग्रेजों मुगलों के द्वारा, गौरवशाली इतिहास रहा निषाद राज का। आज एक परंपरा रही है कि माँ की शादी हो, रात में शादी हो, दहेज शादी हो, तो ऐसे तमाम लड़के लड़के हमारे यहाँ गरीबी हैं जिसको समूह में शादी करने के लिए हमारी सरकार भी मदद कर रही है। हमारे मूलचंद जी यहाँ हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के कहते हैं, उन्होंने हर साल सामूहिक शादी करते हैं, 16 जोड़ों की शादी इन्होंने अपने खर्चे से की है। अभी उसके लिए अधिकारी को बुलाया था कि उसके लिए देखो हमारे यहाँ उसकी फाइलें चलाओ, उनकी मदद करते हैं। और इसी बहाने इस समुदाय को इस कुरीतियों को दहेज जैसी व्यवस्था और अलग अलग रहने का जो था, अब एक साथ समूह में आने से शक्ति होती है, तो इसलिए एक छतरी के नीचे 16 जोड़े उनके रिश्तेदारों को उनके कार्यकर्ताओं को लाया। प्लस इसी बहाने हमारे यहाँ समितियाँ बन रही हैं, बेतवा में, जमुना में, गंगा में, हर नदियों में, बड़ी नदियों में 5 किलोमीटर पर और छोटी नदियों पर 8 किलोमीटर पर समिति बन रही है। समितियों के भी दिशा निर्देशन देना था। और हमारे यहाँ एक इस देश के बारे में भी कहा है लोगों से, हमारे यहाँ बताया मैंने, हमारे यहाँ पहले एक मछुआ पद था, उसे लोगों ने उर्दू अनुवादक कर दिया था, अभी मत्स्यमित के रूप में इनकी एक आउटसोर्सिंग से हम मैन पावर के माध्यम से ला रहे हैं। तो उनको बताया भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए, कंप्यूटर सिखाइए, पढ़ाई लिखाइए, जहाँ फीस फास न हो वहाँ बताइए, तो हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष से उनकी मदद की जाएगी। 25 करोड़ 20 लाख रुपए मछुआ कल्याण कोष में 12 परियोजना है, उसके माध्यम से उनको हम लोग आगे बढ़ाने का। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।